मूवी शुरू होती है एक रेस ट्रैक से, जहां गाड़ियों की रेस हो रही होती है। यहां निक नाम का लड़का अपनी गर्लफ्रेंड लोरी और दो दोस्त हंट और जेनेट के साथ रेस देखने आया होता है। वहीं उनके सामने कॉबॉय हैट वाला आदमी आकर बैठ जाता है। वहां बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे एक कपल अपने दो बच्चों के साथ, एक मैकेनिक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वहीं एक सिक्योरिटी गार्ड भी होता है जो सबको कंट्रोल कर रहा था। निक को वहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा होता। उसे टूटी हुई सीट और दरार भरी दीवार दिखती हैं, और वो काफी ऐसे साइन देखता है जिससे कुछ गड़बड़ होने का आभास होता है। तभी वहाँ एक गाड़ी की सर्विस के टाइम स्क्रू ड्राइवर उसमें लगा रह जाता है और वो ट्रैक पर गिर जाता है। स्क्रू ड्राइवर की वजह से एक गाड़ी का टायर फट जाता है और वो पलट जाती है, जिससे उसका एक टायर हवा में उड़ता हुआ मैकेनिक की गर्लफ्रेंड की गर्दन उड़ा देता है। तभी वहाँ कार्स एक दूसरे से टकराना शुरू हो जाती हैं और स्टैंड में आकर गिरती हैं। उससे अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और लोग अपनी जान बचा के भागने लगते हैं। एक कपल वहाँ से भागने लगता है, तभी गाड़ी का एक पार्ट उन्हें बीच में से चीर देता है और साथ ही दो बच्चों की माँ के ऊपर एक इंजन गिर जाता है, जिससे वो भी मारी जाती है। उसकी फ्रेंड के ऊपर छत गिर जाती है और आखिर में वो उसकी गर्लफ्रेंड एंड सिक्योरिटी गार्ड भी मारे जाते हैं। तभी उसकी आंख खुलती है और उसे पता चलता है वो एक विजन देख रहा था। निक घबराया हुआ लगता है और तभी वहाँ वही कॉबॉय टोपी वाला आदमी आ जाता है। निक सबको कुछ बातें बताता है जो वहाँ होने वाली होती हैं। निक बताता है वहाँ एक्सीडेंट होने वाला है और वो सब उसमें मारे जाएंगे। इसी बात पर उनका वहाँ कई लोगों से झगड़ा हो जाता है और वो बाहर आ जाते हैं। उन्हें रोकने के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी बाहर आ जाता है। तभी अंदर से धमाके की आवाज आती है और एक टायर उड़कर मैकेनिक की गर्लफ्रेंड पर आकर गिरता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। वहीं डैनियल नाम का आदमी अंदर जाने की कोशिश करता है क्योंकि उसकी वाइफ अंदर होती है, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड उसे रोक लेता है। वहाँ वो लोग मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देने जाते हैं। वहाँ निक सिक्योरिटी गार्ड से बात कर ही रहा होता है, तभी वहाँ डैनियल नाम का आदमी आता है और सिक्योरिटी गार्ड को अपनी वाइफ की मौत का जिम्मेदार बताता है, क्योंकि उसने उसे अंदर नहीं जाने दिया था। और फिर वो गार्ड को धमकी देकर जाता है। आगे दिखाते हैं निक को एक और विजन आता है, जिसमें वो एक क्रॉस, आग और एक चैन हुक के साथ देखता है। वहीं डैनियल सिक्योरिटी गार्ड को मारने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वो अपनी ही गाड़ी में लगे हुक में अटक जाता है और ऑयल लीक होने की वजह से आग लग जाती है और उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो मारा जाता है। निक जब डैनियल की न्यूज देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसने सपना नहीं देखा था, डैनियल की मौत का डिजाइन देखा था। आगे दिखाते हैं दो बच्चों की माँ पार्लर जाती है, जहाँ उसके बच्चे पत्थर फेंक रहे होते हैं। तभी एक गार्डनर उन्हें मना करता है और बाद में जैसे वो लेडी पार्लर से बाहर निकलती है, एक पत्थर गार्डनर की ग्रास कटिंग मशीन से टकरा कर उस लेडी की आंख में लगता है और वो वहीं मर जाती है। ये वही पत्थर था जो उसके बच्चों ने फेंका था। अगले दिन निक और उसकी गर्लफ्रेंड लोरी अपने फ्रेंड हंट और जेनेट को घर बुलाते हैं और बताते हैं कि उन्होंने रिसर्च की है और निक को जैसे पूर्वाभास हुआ है, वैसा ही पहले भी काफी लोगों को हुआ था, लेकिन एक एक करके सारे बचे हुए लोग मारे गए। निक बताता है कि मौत की इस चैन को रोका जा सकता है अगर वो किसी की जान बचा ले, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा नहीं होता, बस मौत का ऑर्डर चेंज हो जाता है। उनके फ्रेंड्स को उन पर यकीन नहीं होता और वो चले जाते हैं। बाद में निक और लोरी रेस ट्रैक पे जाते हैं मौत का ऑर्डर पता करने कि पहले कौन मरा था और अब किसका नंबर है। वहीं सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मिलता है और वो कैमरास में देखता है कि कौन कहाँ बैठा था। वहाँ निक बताता है कि पहले वो मैकेनिक मरेगा, फिर हंट और जेनेट, और फिर वो सिक्योरिटी गार्ड, और बाद में लोरी, और आखिर में वो खुद। वो तीनों लोग मैकेनिक के पास जाते हैं और उसे सब कुछ समझाते हैं, लेकिन मैकेनिक उनकी बातों का विश्वास नहीं करता। तभी वहाँ एक हादसा होता है और वो मैकेनिक फैन से कटकर मर जाता है। मौत के सिलसिले को तोड़ने के लिए वो अपने दोस्त हंट और जेनेट को बचाने का प्लान करते हैं और निक हंट के पास जाता है और लोरी और गार्ड जेनेट के पास। निक को तभी एक विजन आता है जिसमें पानी दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि उसके फ्रेंड्स को पानी से दूर रहना है, लेकिन हंट एक वाटर पार्क में चला जाता है और जेनेट अपनी कार धोने के लिए कार वॉश में। वहीं कार धुलवाते वक्त जेनेट की कार का सनरूफ खराब हो जाता है और खुला रह जाता है और वहाँ शॉर्ट सर्किट की वजह से एक पाइप टूट जाता है
और पानी उसकी गाड़ी में भरने लगता है। वो सांस लेने के लिए अपना मुंह बाहर निकालती है, लेकिन वो अटक जाती है और टकराने वाली होती है। तभी वहाँ गार्ड एंड लोरी आकर उसे बचा लेते हैं और वहाँ दूसरी जगह हंट का लकी सिक्का पानी में गिर जाता है और वो उसे निकालने जाता है, लेकिन प्रेशर होने की वजह से पानी में फंस जाता है और प्रेशर की वजह से मारा जाता है। निक भी वहाँ पहुँचता है, लेकिन वो लेट हो चुका होता है। गार्ड जेनेट को बताता है कि वो अब मौत से नहीं लड़ना चाहता, क्योंकि उसका यहाँ कोई नहीं है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो मर भी जाए तो। वहाँ उन्हें कुछ संकेत मिलते हैं जिससे उन्हें लगता है वो लोग अब बच गए हैं। वो तुरंत गार्ड के पास जाते हैं और देखते हैं कि उसने खुद को फांसी लगा ली है, लेकिन वो अब भी जिंदा होता है। गार्ड उन्हें बताता है कि वो मरने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मर नहीं पा रहा। वो लोग समझते हैं कि उन्होंने चैन तोड़ दी और जश्न मनाने लगते हैं। अगले दिन लोरी और जेनेट मूवी देखने जा रहे होते हैं, तभी निक को एक और विजन आता है, लेकिन वो समझ नहीं पाता कि वो किसके लिए है। तभी वो न्यूज में देखता है कि काउबॉय हैट वाला आदमी जो उस दिन रेस ट्रैक पर बचा लिया गया था और वो हॉस्पिटल में है। तब उसे एहसास होता है कि अगला नंबर उसी का है और उसके बाद उन लोगों का। वो गार्ड को फोन करता है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। वहाँ निक गार्ड को बताता है कि वो इसीलिए नहीं मरा क्योंकि उसका नंबर नहीं था और पहले ये काउबॉय हैट वाला आदमी मरेगा। वो जैसे ही हॉस्पिटल में पहुँचते हैं, वो आदमी भी एक टब गिरने से मारा जाता है। तभी निक और गार्ड वहाँ से जा रहे होते हैं। एम्बुलेंस आकर गार्ड को कुचल देती है। निक तुरंत लोरी और जेनेट के पास जाता है जो मूवी देखने गए हुए हैं, और वहाँ मूवी थिएटर के साथ वाले कमरे में आग लग जाती है, लेकिन किसी को अभी यह पता नहीं होता। निक वहाँ पहुँच जाता है और लोरी और जेनेट को वहाँ से जाने के लिए कहता है। लोरी जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जेनेट मना कर देती है। तभी वहाँ ब्लास्ट हो जाता है जिसमें जेनेट मारी जाती है और वो लोग भागने लगते हैं। लोरी का पैर एक्सीलेटर में फंस जाता है और वो कुचली जाती है। तभी निक की आंख खुल जाती है और वो हॉस्पिटल के बाहर होता है और गार्ड उससे बात कर रहा होता है। इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, एम्बुलेंस आकर गार्ड को कुचल देती है और यहाँ निक को पता चलता है कि उसका सपना सच होने वाला है। वो तुरंत वहाँ से निकलता है और थिएटर के साथ वाले कमरे में जाता है और आग के फैलने से पहले ही उसे बुझा देता है। वहाँ उसे काफी चोट आती है, लेकिन वो खुश होता है कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचाई। आगे सीन में दिखाते हैं कि निक, लोरी और जेनेट एक कैफे हाउस में ड्रिंक पी रहे होते हैं। वहाँ निक को फिर से कुछ अजीब सा लगता है और उसे कुछ संकेत मिलते हैं कि यहाँ कुछ होने वाला है और उनका यहाँ होना मौत ने ही प्लान किया था। तभी अचानक वहाँ एक ट्रक उस कैफे से टकराता है और तीनों को कुचल के मार देता है, और यही मूवी खत्म हो जाती है।